बिकवाली की मार से घरेलू शेयर बाजार भले ही पस्त हों, विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए कंपनियों का भरोसा सातवें आसमान पर है। देश में बंबई शेयर बाजार यानी BSE की शुरुआत 9 जुलाई 1875 को हुई थी, जो एशिया का पहला शेयर बाजार बना। घरेलू शेयर बाजार के करीब 150 साल के इतिहास में इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और वो है इनिशियल पब्लिक इशू यानी IPO के जरिए पूंजी जुटाने का। घरेलू बाजार में लिस्टिंग के जरिए कंपनियां साल 2024 में अब तक 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा चुकी हैं। आने वाले दिनों में इस फ्रंट पर अब तक का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कुल मिलाकर बाजार में इस साल 68 IPO लॉन्च हुए हैं, जो 2007 के बाद किसी एक साल में सबसे अधिक है। इन IPO के जरिए जुटाई गई कुल राशि 1.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले साल 2007 में कुल 100 IPO लॉन्च हुए थे, तब IPO के जरिए कंपनियों ने 34,179 करोड़ रुपए जुटाए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी एफकॉन्स के IPO के साथ ही साल 2024 में IPO के जरिए जुटाई गई कुल पूंजी का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ रुपए के पार हो रहा है। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में ये उपलब्धि सिर्फ एक बार 2021 में हासिल हुई थी, तब कंपनियों ने IPO के जरिए 1.19 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इस साल आने वाले बड़े टिकट IPO में स्विगी, NTPC ग्रीन और विशाल मेगामार्ट शामिल हैं। इनमें स्विगी का IPO 11,700 करोड़, NTPC ग्रीन का 10,000 करोड़ और विशाल मेगामार्ट का 8,000 करोड़ रुपए का होगा। इस तरह तीनों कंपनियां IPO के जरिए कुल मिलाकर 29,700 करोड़ रुपए जुटाएंगी। ऐसे में IPO मार्केट इस साल 2021 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। देश में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी SME IPO पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इस साल SME बोर्ड पर 215 कंपनियों ने 7,702 करोड़ रुपए उठाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 65% अधिक है। एक्सपर्ट के अनुसार इकोनॉमी में पर्याप्त लिक्विडिटी और जोरदार लिस्टिंग की वजह से IPO मार्केट गुलजार हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में 64 मेन बोर्ड IPO में से केवल 12 ही शेयर की लिस्टिंग के दिन इशू प्राइस से वो नीचे रहे। 22 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में हाल ही में लिस्ट हुई हुंडई मोटर सहित केवल 15 स्टॉक अपने IPO मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार ये रिकॉर्ड इसी साल टूट सकता है। साल 2024 में अभी 2 महीने बाकी हैं। इस दौरान स्विगी, NSDL, NTPC ग्रीन जैसे कई बड़े IPO लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड 3,000 करोड़ और NSDL 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही हैं। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस 1,500 करोड़ और मोबीक्विक सिस्टम भी 700 करोड़ रुपए का IPO लाने जा रही है। इस तरह साल 2024 में IPO के जरिए जुटाई गई रकम 2021 की तुलना में काफ़ी बड़ी हो सकती है। पिछले 3 महीनों में ही IPO के जरिए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई है। इनमें सबसे बड़ा IPO हुंडई मोटर का रहा, जिसने 27,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जुटाई। कुल मिलाकर देश के प्राइमरी मार्केट की पाइपलाइन काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है और अगली कुछ तिमाहियों में बाजार में कई प्रमुख कंपनियों के IPO आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एवं मंत्री फिनमर्ट के फाउंडर अरुण मंत्री कहते हैं कि बाजार की तेजी के दौरान IPO मार्केट खूब गुलजार रहा है। इसके कई बड़े कारण हैं। पहला, शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाने के लिए लोग FD और डेट फंड से पैसा निकाल करके IPO मार्केट में लगा रहे हैं। इसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों ने मोटा मुनाफा भी कमाया है। अब IPO को तत्काल लिस्टिंग गेन कमाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से इस ट्रेंड को बढ़ावा भी मिल रहा है। ऐसे में साल 2024 में IPO के जरिए जुटाई गई पूंजी अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौजूदा माहौल के अनुसार देखें तो देश में IPO मार्केट अगले साल भी गुलजार रह सकता है। अगर आप भी IPO में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो जेब में पैसे तैयार रखिए। जल्द ही कई बड़े IPO आने वाले हैं। इनमें से आप मजबूत बुनियाद वाली कंपनी के IPO में पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाजार की गिरावट से घबराएं नहीं, नए साल में बाजार में फिर हरियाली देखने को मिल सकती है। और अगर आपके मन में संशय है कि किस IPO में पैसे लगाएं, किस में ना लगाएं, तो उसके लिए आप हमारे खास कार्यक्रम वाह के IPO को अवश्य देखें और वहां पर IPO से जुड़े हुए आप कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कौन सा IPO आपको लिस्टिंग के दिन ज़्यादा कमाई कर सकता है।